नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। हुई है जो पूर्व पार्षद बिट्टू राम उनके द्वारा आज यहाँ जो है समोसा और कचौड़ियाँ इन गरीब बच्चों को महादलित परिवार वालों को दिया जा रहा है। अगर इसी तरह आम जनता सहयोग करती रही, जैसा कि अभी डायरेक्टर ने बताया कि बहुत सारा हमारे यहाँ खाना बर्बाद हो जाता है, लेकिन उस बर्बादी के पीछे आपका वो अनाज है, आपके पास पैसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बोरा अनाज लेके बर्बाद करेंगे, नहीं, उस पर उस गरीब समाज के भी बच्चों का परिवार वालों का हक है। दर्शकों, एक दशांश युवा क्रांति मोबाइल ऐप है जिसके जरिए युवाओं ने पूरे भारत से, पूरे बिहार से भूखमरी और बीमारी दूर करने का संकल्प लिया है। हमारे साथ बहुत बहुत जो जमालपुर से कुछ आए हुए हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं एनजीओ के, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये इसका मकसद क्या है और क्या लोगों को कैसे सेवा देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे, मैं संस्थापक दशांश युवा क्रांति। मकसद हमारा एक ही है, भारत में प्रतिदिन 3,000 बच्चे भूख और भूख से होने वाले बीमारियों से मर जा रहे हैं। प्रतिदिन 20 करोड़ लोग भूखे सो जा रहे हैं। उसी देश में 6,700 करोड़ किलो खाना प्रतिवर्ष बर्बाद होता है, तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए का खाना। तो फूड वेस्ट मैनेजमेंट चेन के तरीके से हमें उभरना है, देश के सारे युवाओं को एक करना है। बोले पूरे देश के 20 करोड़ के लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने अपने वार्ड के जरूरतमंदों का सर्वे कीजिए और अपने अपने वार्ड के जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कीजिए। समाज के साथ जुड़ के आपको एक ऐप हमने गिफ्ट किया है निःशुल्क, जो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का नाम है दशांश युवा क्रांति, एक बार आप यूज कीजिए, बाकी आपके सजेशंस का वेलकम है। गरीबों को कैसे मदद कर पाएंगे आप? आपके समाज से मैं नहीं कर रहा हूँ भैया, हम लोग सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। आपके समाज ही आपके समाज के जरूरतमंद को पूरा कर रहे हैं। जो आपके घर का बचा हुआ खाना है, पुरानी किताबें हैं, पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, या ऐसा कोई भी जरूरत का सामान है जो आपके काम का नहीं रहा लेकिन अभी उस स्थिति में है कि किसी और के जरूरत को पूरा कर सकता है, तो आप उसे मेरे ऐप के थ्रू डोनेट करते हैं। आपके सोसाइटी के जो भी सबसे नज़दीकी प्रबंधक होंगे यथाशीघ्र आपके घर पहुंचेंगे, कलेक्ट करेंगे और ऐसे ही लाइव वीडियो के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक पारदर्शिता बनाई रखी जाएगी। यहाँ का झाझा इंचार्ज किनको बनाया गया है? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अनिल भैया हैं और अरविंद भैया हैं और सत्य प्रकाश भैया हैं, और बाकी तो आप ही लोग का शहर, आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा।